हेलो प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जिनात की ऐसी खौफनाक वीडियोस जो कैमरे की आंख में कैद हो गई हैं। बिलीव मी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरर और एंटरटेनिंग होने वाली है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल सके। पहले नंबर पर अरेबिक होस्ट हंटर अब्दुल्ला अल अंबरी की वीडियो है, जिन पर मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, और इनकी वीडियो बहुत ज़्यादा हॉरर और एंटरटेनिंग होती हैं। और इस बार भी वो पहले की तरह एक बहुत बड़ी और अबैंडर्ड लोकेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं, और पहले की तरह बहुत सी थिंग्स और शेडो को कैप्चर भी करते हैं। चार मिनट और कुछ सेकंड पर उसके और उसके कैमरा के बिल्कुल सामने एक दरवाजा आहिस्ता से बंद होता रहता है, जिसकी आवाज क्लियरली सुनी जा सकती है। उसके बाद एक दूसरी जानिब से किसी चीज की आवाज आती है, जिस पर वो इन्वेस्टिगेटर कैमरा भी उसकी जानिब कर देता है। लेकिन जो ही वो कैमरा उस दरवाजे की जानिब करता है, तो वो दरवाजा खुला हुआ होता है, लेकिन अंदर जाने पर वहाँ कोई भी नहीं होता। पांच मिनट और कुछ सेकंड के बाद फिर से किसी दरवाजा बंद होने की आवाज आती है, लेकिन पहले की तरह फिर से जाहिरी तौर पर वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। सात मिनट और कुछ सेकंड पर वो फिल्मिंग करता हुआ अपने कैमरे को मूव कर रहा होता है, जहां पर उसके कैमरा में एक काली परछाई या ऐसी ही कोई चीज कैप्चर होती है, और जब वो अपने कैमरा को मूव करता हुआ वापस उसी पोजीशन पर लाता है तो वो चीज गायब होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस चीज को नोटिस नहीं करता, लेकिन फॉर्चुनेटली वो चीज उसके कैमरा में क्लियरली कैप्चर हो जाती है। दस मिनट के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करता हुआ आगे की जानी पड़ता है, जहां पर फिर से किसी दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। और 11 मिनट और कुछ सेकंड पर जब वो एक छोटे से कैबिन में दाखिल होता है, तो उस कैबिन का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। बारह मिनट के एंड पर उसके सामने एक दरवाजा खुद ब खुद बंद और खुल रहा होता है, और देखने में ऐसा महसूस होता है कि कोई ऐसा कर रहा हो, लेकिन पहले की तरह जाहिरी तौर पर कोई भी नजर नहीं आता, तो यकीनन ये काम किसी अनदेखी कुव्वत का ही होगा। सो मेरे नजदीक ये वीडियो काफी हद तक रियल है और हॉरर भी। आप व्यूअर्स का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में? इनकी और वीडियोस देखने के लिए इनका चैनल विजिट करें। दूसरे नंबर पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम की वीडियो है, जिन पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और इनकी वीडियोस काफी हद तक रियल होती हैं। और आज की वीडियो में वो विजय बोर्ड के जरिए उस मखलूक से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर उन्हें रिस्पॉन्स भी मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपने इस बोर्ड को साफ करते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड कैंडल्स मेल्ट होने की वजह से ये हालत हो चुकी थी। छह मिनट और कुछ सेकंड पर उन्हें किसी जानिब से आवाज आती है, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं होता। रिपीट, c'è qualcuno qua che vuole parlare con noi? उसके बाद नौ मिनट और कुछ सेकंड पर उनसे कम्युनिकेट करने के बाद वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसके पांव पर चोट लगती है, और ऐसा मुमकिन है कि ये उस मखलूक की तरफ से जवाब की सूरत में हो, और उसी दौरान उनका डॉग भी भौंकने लगता है। Porca oh, miseria! Tu prendere. Scusatemi. Oh signore. Cos'era? La gamba. E mi ha fatto anche male e mi sono anche tolta un mignolo con la sedia. उसके बाद इनमें से एक लड़का जो फिल्मिंग कर रहा होता है, उसके कैमरा में एक बहुत ही हैरतकुन फुटेज कैप्चर होता है, जहां पर ये टीम कम्युनिकेट कर रही होती है। उसके पीछे एक कमरे का दरवाजा खुला होता है, जहां पर एक शैडो टाइप कोई चीज कैप्चर होती है। Oh cavolo ragazzi, guarda che roba. Oh santa miseria. Dietro di voi ragazzi. Ah ok, ora l'ho vista.
So, मेरे नजदीक ये वीडियो काफी हद तक रियल है, इस वीडियो को 100% रियल कहना गलत ना होगा। आप व्यूअर्स का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, ये फुल इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए इनका चैनल चेक आउट करें। तीसरे नंबर पर भी एक अरेबिक होस्ट हंटर की वीडियो है, जहां पर एक टीम एक जंगल जैसी जगह में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और उनके कैमरा में काली परछाई, जिन या फिर बिग फुट कैप्चर होता है जो बिल्कुल एबनॉर्मल होता है। इस वीडियो को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें कैप्चर होने वाली ये चीज अनएक्सप्लेन्ड है कि ये क्या बला थी। अलबत्ता ये चीज बहुत ही क्रीपी थी और रियलिस्टिक भी। आप व्यूअर्स की क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में। चौथे नंबर पर एक ऐसी वीडियो जिन पर मैं ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और इनकी वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग और हॉरर होती हैं। और आज की वीडियो में वो एक जंगल जैसी जगह में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं जहाँ पर वो एक क्लियर शेडो को कैप्चर करते हैं। तो चलिए एक नजर आप भी देखें। तीन मिनट और कुछ सेकंड पर वो गाड़ी में बैठे हुए उस मखलूक से कम्युनिकेट करते हैं जिस पर उन्हें ईवीपी के थ्रू रिस्पॉन्स भी मिलता है। उसके बाद वो गाड़ी से उतर जाते हैं और उस एरिया में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं जहां पर वो एक बार फिर से कम्युनिकेट करते हैं और एक बार फिर से उन्हें रिस्पॉन्स भी मिलता है। इन दी एंड 7 मिनट और कुछ सेकंड पर उनके और उनके कैमरा के सामने इंसान या इंसानी रूप में कोई चीज बच्चे का झूला लेकर आगे की तरफ चल रही होती है जिस पर वो कुछ हद तक डर जाते हैं और वापस भागने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो हिम्मत करके दोबारा से उसे चेस करने की कोशिश करते हैं और वो टीम झूला उठाकर यहाँ से लेकर भाग जाती है। Cuidado, vê se não tem água com o carrinho, mano. देखने में ये वीडियो स्क्रिप्टेड टाइप लगती है और ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो में टारगेट किया हो इस झूले को। अलबत्ता ये वीडियो बहुत ज्यादा हॉरर और इंटरटेनिंग थी। आप व्यूअर्स का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में, इनकी फुल वीडियो देखने के लिए इनका चैनल विजिट करें। तीसरे नंबर पर एक जापानीज वीडियो है जहां पर एक आदमी एक बिल्डिंग में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है और उसके कैमरा में एक बहुत ही भयानक फुटेज कैप्चर होता है। तो चलिए एक नजर आप भी देखें। आठ मिनट और कुछ सेकंड पर एक दीवार के पीछे कोई चीज खड़ी होती है जिसका सर नजर आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद कैमरामैन थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर हिम्मत करके आगे की जानी पड़ता है। 10 मिनट और कुछ सेकंड पर वही क्रीपी चीज उसके और उसके कैमरा के सामने जाहिर होती है जिस पर वो नीचे गिर जाता है और उसका कैमरा एक जानिब स्टिल हो जाता है। बारह मिनट और कुछ सेकंड पर वो एक दीवार के पीछे से झांक रही होती है। मैं इस वीडियो के बारे में श्योर नहीं हूं, अलबत्ता मैं आपकी राय जानना चाहूंगा इस वीडियो के बारे में। इनकी फुल वीडियो देखने के लिए इनका चैनल चेक आउट करें। सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सबसे ज्यादा हॉरर और रियल पार्ट आपको कौन सा लगा,